वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 आलस अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 ए का क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 इज गिवन दैट फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4। सॉरी, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4। 13th टर्म ऑफ एन एपी इज -16। सो फाइंड द एपी। एपी क्या होता है? नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो आपसे सेवंथ टर्म यानी कि हमें क्या गिवन है गाइस, सेवंथ टर्म की वैल्यू गिवन है, राइट? तो सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज -4। दैट मींस टी सेवंथ की वैल्यू कितनी है आपकी? -4 गिवन है, राइट? एंड 13th टर्म of AP is -16। That means T13 की वैल्यू आपको गिवन है -16। ठीक है, सो यहाँ से हम देखते हैं T7 equals to A plus 7 minus 1। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल Tn के लिए लिखते हैं, चलिए हम, ठीक है, Tn equals to A plus n minus 1 into D हमारा फॉर्मूला होता है। सो T7 equals to A plus 7 minus 1 into D। T7 की वैल्यू -4 इक्वल्स टू ए प्लस 6t, राइट? इसे इक्वेशन 1 मानिए। नाउ T13 इक्वल्स टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। T13 की वैल्यू -16 इक्वल्स टू ए प्लस 12d, इसे इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ए प्लस 6d इक्वल्स टू -4, ए प्लस 12d equals to -16। ठीक है, हम देख सकते हैं a वाली टर्म कांस्टेंट है, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, सेकंड इक्वेशन के प्लस की माइनस एंड माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 माइनस 12 कितना रह जाएगा गाइस आपका? माइनस के 60 रह जाएगा। माइनस 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका इक्वल? यहाँ पे 4 माइनस करेंगे तो प्लस 12 रह जाएगा। सो डी इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 6, दैट मीन्स माइनस के 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? माइनस की आपकी 2 आ जाती है। तो किसी भी इक्वेशन 1 नियर 2 में पुट कर दीजिए एंड ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है? -4 इक्वल्स टू ए प्लस 6d। तो -4 इक्वल्स टू ए प्लस 6 इंटू -2। सो -4 इक्वल्स टू ए प्लस माइनस, माइनस 6 2 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 12 इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? प्लस के 8 आ गई। सो हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, डिफरेंस मालूम हो गया, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म मालूम हो गया। तो गाइस फर्स्ट टर्म आपका 8 है, डिफरेंस क्या है? -2 है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर अगेन 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फिर अगेन 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर अगेन 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। देख सकते हैं डिफरेंस, 6 में से 8 माइनस करोगे, 6 माइनस 8 माइनस 2 ही है ना। तो गाइज इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका डॉट 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 ऐसे क्या आ गया? एक सीरीज आ गया, सिक्वेंस आ गया। सो एपी इज 8 6 4 2 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे तक होगा सीक्वेंस आपका, राइट? तो यहाँ पे -2 -4 -6 आगे चलता जाएगा, राइट? सो गाइस इस तरीके से आपका क्वेश्चन 26 सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 प्ले लिस्ट में जाकर सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करके प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, पीडीएफ फाइल, सॉल्यूशन वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।